हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हसान और आप देख रहे हैं हसान पोएट्री वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मेरे फॉर्म पे चिक्स को आए हुए 12वां दिन है और 12वें दिन के मैनेजमेंट की बात करेंगे। उसके साथ ही साथ पहले मैं आपको बता दूं कि आज 12वां दिन है, आज इनका जो है वैक्सीनेशन होने वाला है, गंबोरों का वैक्सीनेशन। तो मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स पानी की। तो पानी में आज हम लोगों ने इन्हें सुबह के पानी में दिया है मल्टी विटामिन, केवल मल्टी विटामिन दिया है, जो कि शाम तक चलेगा। शाम में थोड़ी देर के लिए हम लोग नॉर्मल वाटर इन्हें दे देंगे, फिर उसके बाद में जो है इनका वैक्सीनेशन करेंगे, गंबोरों का वैक्सीनेशन होगा। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही ख़ास बात बता दूं, अगर आप वैक्सीनेशन करते हैं तो वैक्सीनेशन से 24 घंटे पहले और 24 घंटे बाद तक कोई भी एंटीबायोटिक नहीं देना है। जैसे कि मैंने किया है, मैंने इन्हें सुबह के पानी में मल्टी विटामिन दिया है, तो मल्टी विटामिन से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक जो है इन्हें देना है तो वैक्सीनेशन से 24 घंटे पहले दें या फिर वैक्सीनेशन के 24 घंटे बाद दें, क्योंकि थोड़ा सा वैक्सीनेशन जब होता है तो जो वैक्सीनेशन की जो मेडिसिंस होती हैं वो थोड़ी हार्ड होती हैं, अगर साथ में एंटीबायोटिक लग जाए तो वो रिएक्शन कर सकती है, जिससे कि ब्लड में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो फ्रेंड, इन बातों का ध्यान रखें। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज जो है हम लोगों ने आज का मैनेजमेंट जो था, आज का मैनेजमेंट मैं आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये जो लीटर है, लीटर जो आज हम लोगों ने लीटर की रैकिंग की है, रैकिंग मतलब गुड़ाई की है आज, क्योंकि दो एक दिन से मैं नोटिस कर रहा था ये चीज़ कि लीटर हमारा कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे गीला हो रहा था, तो इस वजह से आज हम लोगों ने किया ये है। जितने भी ड्रिंकर रखे हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जितने भी ड्रिंकर हैं हमारे, ड्रिंकर के नीचे का जो लीटर था वो हम लोगों ने बिल्कुल हटा दिया है वहाँ पर का, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गीला था। इस वजह से हम लोगों ने ड्रिंकर के नीचे वाला जो लीटर था उसको बिल्कुल हटा दिया है, हटा के वहाँ पे चूना डाल दिया है। और बाकी जो जहाँ जहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कुछ ज़्यादा ही गीला है तो वो भी हटाते गए। और उसके बाद जो है हम लोगों ने किया ये कि चूना जो है हल्का हल्का छिड़क दिया पूरे में, जितना पॉलिटिशियन है हमारा, जितने में बल्ड हैं हमारे, इनमें पूरे में चूना छिड़क दिया। चूना छिड़कने के बाद, वैसे तो ये होता है कि चूना और फिटकरी जो है छिड़की जाती है, लेकिन फिटकरी यहाँ पर हमारे फॉर्म पर अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से सिर्फ चूना छिड़क दिया, वरना फिटकरी और चूने का ज़्यादा ही अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है, कि जो चूना होता है वो जो लीटर की जो नमी होती है वो सब जो है खींच लेता है, और जो फिटकरी होती है वो अमोनिया को मिटाने का काम करती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के पास फिटकरी नहीं थी, अवेलेबल नहीं थी, इस वजह से सिर्फ चूने से हम लोगों ने काम चलाया। बट अगले टाइम मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह फिटकरी वगैरह सब अवेलेबल करके रखूँ जब जो है रैकिंग का टाइम आए। रैकिंग का टाइम मतलब दो एक दिन में मैं देखूँगा, अगर फिर जो है थोड़ा सा लीटर अगर ज़्यादा ही गीला हो रहा है तो मैं फिर से रैकिंग करूँगा, क्योंकि ठंडी का जो मौसम होता है, ठंडी के मौसम में लीटर वाली प्रॉब्लम ज़्यादा ही आती है गीले होने वाली, तो जिससे CRD वगैरह और भी कई जो डिसीज़ होती हैं उनसे उनके बनने के चांसेस रहते हैं। इस वजह से जहाँ तक के तो मैं कोशिश करूँगा कि अब जो जो हमारा बल्ड जो बड़ा होएगा तो रोज़ इनकी जो है रैकिंग की जाए, गुड़ाई की जाए लीटर की, जिससे जो है कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फीडिंग की। तो फीडिंग में आप देख सकते हैं हमारे ड्रिंकर फीडर फुल हमारे सब पूरे भरे हुए हैं, बिल्कुल फुल फीडिंग चल रही है। आज पूरा एक बैग लग गया है धीरे धीरे करके, इनकी फीडिंग की और वाटर की सारी डोज सब धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो रही है। तो वैसे तो आधे से थोड़ा ज़्यादा बैग लगता था फीड का, बट आज जो है पूरा बैग लग गया है। एक वाला फीडर हमारा थोड़ा सा खाली भी रह गया था तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड मोर्टलिटी की। तो मोर्टलिटी में मैं आपको दिखा दूँ, कल में ये हुआ है, ये बल्ड हमारा जो है ये बल्ड ख़त्म हो गया हमारा। तो इसमें हुआ ये था कि कल में देखिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज़ नहीं है या कोई गैस वाली भी प्रॉब्लम नहीं है,
वो ख़त्म इस वजह से हुआ कि जो है कल रात में हम लोगों ने ये पर्दे जो है काफ़ी देर तक खोले थे, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही, जैसा कि मैंने हर वीडियो में बताया, यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही शाम के टाइम पर ठंडा हो जाता है, जिसकी वजह से जो है थोड़ा सा टेम्परेचर बनाने में हमें टाइम लग गया, और बुखारी वगैरह जला दी थी, लेकिन सारे बल्ब जो हमारे थे वो सब एक के ऊपर एक होने लगे थे। फिर भी हम लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा चलाया, फिर भी उस ये वाली जो हमारी जो बुखारी लगी है, मैं आपको दिखा दूँ, इस बुखारी के पास में काफ़ी ज़्यादा झुंड इकट्ठा हो गया था, तो ये बल्ब थोड़ा सा हमारा छोटा था, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा दब के मर गया। बाकी और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, दब के मर गया थोड़ा सा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस वजह से इनकी इसकी जो है मोटलिटी हो गई दबने की वजह से, वरना सारे बल्ब हमारे माशाल्लाह बिल्कुल सही हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और फ्रेंड बात कर लेते हैं पर्दों की, तो आप देख सकते हैं आज थोड़े से ज़्यादा मैंने पर्दे खोले हैं, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही मैं देख रहा था, इस टाइम पर दोपहर का टाइम है, करीब 2 बजे का, तो इतने टाइम पर कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर था, तो ये पर्दे हम लोगों ने पूरे पूरे खोल दिए हैं। वैसे थोड़ा ऊपर रखते थे हम लोग, कल वाली वीडियो में भी मैंने दिखाया था, तो थोड़ा ऊपर रखते थे, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही टेम्परेचर था, जिसकी वजह से खोल दिए हैं। और इधर वाला जो पर्दा है ये हम लोग खोलते नहीं हैं, यहाँ पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि इधर से जो है धूप आ जाती है पूरे फॉर्म के अंदर, तो वो मेरे बल्ब के लिए ठीक नहीं है, इस वजह से यही वाला पर्दा खोलते हैं। बट आगे जो जो हमारा बल्ब जो बड़ा होता जाएगा, तो इंशाल्लाह ये वाले भी पर्दे मैं खोलने लगूँगा दोनों तरफ के, ताकि वेंटिलेशन हमारा जो है बिल्कुल सही रहे, हवा बिल्कुल आसपास दोनों तरफ से आर पार हो, तो वेंटिलेशन हमारा सही रहे। तो बस फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं हूँ अहसान, आप देख रहे थे अहसान पोएट्री वर्ल्ड, अल्लाह हाफिज़।